सबसे पहले सर ये आज का जो प्रोग्राम का बारे में बता दीजिए। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से फंड्स मिले टू कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश रिगार्डिंग पॉल्यूशन। तो वी हैव डिसाइडेड टू डू इट इन सेवरल लोकेशन। सो द फर्स्ट स्टार्टिंग हेयर इज इन नामसाई। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन प्रोग्राम किया पॉल्यूशन के बारे में। उसमें वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, इन सब के बारे में स्कूल के बच्चों को बुला के बताया। और सर कुछ सवाल रखना चाहूँगा जो बताइए। आप अरुणाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नाहरलगुन से आए हैं, कुछ कुछ ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड में कुछ सवाल रखना चाहूँगा। यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों का भी है कंप्लेन, हमारा ऑफिस में भी आया है लोगों के स्टोन क्रशर को लेकर, स्पेशली हाईवे से कितने दूर होना है, कितने मीटर होना है और क्या क्या गाइडलाइंस है स्टोन क्रशर में। स्टोन क्रशर जब हम लोग परमिशन देते हैं, कंसेंट देते हैं इस्टेब्लिश करने का, तो हम लोग के नॉर्म्स रहते हैं। जैसे हाईवे से कुछ डिस्टेंस रहेगा, हैबिटेशन से रहेगा 100 meters, 200 meters, फिर हॉस्पिटल से रहेगा, स्कूल से रहेगा किलोमीटर्स में, तो इस तरह का रहता है। फिर ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट रहता है और फिर वो लोग क्या क्या उन लोगों को पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाना है, वो सब गाइडलाइंस रहता है। तो वो लोग वो नॉर्म्स फॉलो करते हैं तभी वो लोग ऑपरेट कर सकते हैं। सो इस तरह हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ कई कई जो है स्टोन का असर देखा गया है कि जो हाईवे से बहुत ही करीब है, जैसे कि आप लोग शायद 200 meters से क्या हाइवे से कितना दूर रहना है जो गाइडलाइंस नहीं, तो ऐसे नहीं है। तो अगर ऐसा है तो उसको नहीं चलना चाहिए, वो इलीगली चल रहा है, उसको हम लोग बंद करेंगे। में आना चाहिए कि हम जो खा रहा है उसको भी हम कहीं ना फेंकना पड़ेगा। अब वहां पे छोड़ करके सही जगह पे छोड़ करके अगर जाना होता है तो जाना चाहिए, अगर नहीं तो आप कहीं डस्टबिन है तो वहां में फेंक देना चाहिए, क्योंकि जो बाहर में गंदा कौन करता है, हम लोग करता है, खुद अपने आप गंदा नहीं होता है। पानी मान लीजिए, पानी नदी बह रहा है, नदी का पानी जो है बहुत शुद्ध पानी, बहुत अच्छा पानी है। सागर का पानी बहुत शुद्ध पानी होता है, पॉन्ड्स का पानी वो भी बहुत ठीक होता है। सिर्फ जो स्टेग्नेंट वाटर है उसमें काफी जाम हो सकता है, लेकिन जो रनिंग वाटर है वो हमेशा साफ होता है। तो उस साफ पानी को अगर हम चाहेगा कि उसको गंदा करेगा तो कर सकता है, उसमें खराब चीज अगर फेंक दिया तो दैट विल बी पॉल्यूटेड। तो अगर वो पानी आगे जाकर कोई पी लिया तो उसमें कुछ ना कुछ इन्फेक्ट भी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा सोचना है कि हम कैसे इसको बचाया जाए। ये जो X10 है, वुड बेस्ड इंडस्ट्री 70s है, टी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, ये जो है ना, ये दोनों वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री भी है, एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री भी है। आयरन एंड स्टील ये एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, 4 numbers से है। उसके बाद फेरो एलॉयस इंडस्ट्रीज ये वाला 4 number है, ये एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है। बियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 2 है, ये एयर और वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है दोनों। उसके बाद में हम लोग आते हैं वाटर, व्हाट इज एयर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज अ कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर, एस आर हैव ऑलरेडी सेड, कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी दैट मीन्स अ पॉन्ड और लेक और
waiver any contamination of the water, of the water body, इसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन, एनी चीज उसका फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को उसको चेंज कर देते हैं विद द कंटामिनेशन ऑफ विद द एडिशन ऑफ सम अनवांटेड पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। रखेंगे और सेल सेल करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। अगर आप ड्राई वेस्ट को जमा करके रखेगा, आपका जब बर्तन भी होता है, कोई भी चीज आप जमा करके रखता है तो आयरन कुछ टूटा फूटा होता है तो देखिए आपका घर पे आएगा रेड पिकर, आएगा रेड पिकर बोलता है जो तेला वाला वो बटन चाहिए वो चाहिए बोल के वो लोग आता है, वो जो उसको लेके बिक्री कर देता है। तो अगर आप लोग अपना घर का वेस्ट को वहां उधर उधर नहीं फेंक के आप लोग जमा करके रखेंगे तो वो पैसा बन जाएगा। आप लोग देखता होगा जो ये जो हम लोग वाटर बोतल जो हम लोग यूज करते हैं वो वाटर बोतल को हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन वो वाटर बोतल पैसा है, उसको अगर आप अच्छा से रखेगा तो वो उसको कंपनी लेके उसको पैसा में आपको वापस पैसा देगा, कुछ मनी देगा, उसको रीयूज करता है, रिसाइकल करता है। उसका इवन प्लास्टिक बोतल में जो प्लेट है कुछ नेम प्लेट वो सब होता है वो भी यूज में आ जाता है। तो इस तरह जो है हम लोग गार्बेज को खत्म कर सकता है अगर चाहे तो। और गार्बेज को क्यों खत्म करना है वो तो पहले आपको बोल ही दिया, इससे बीमार हजार होता है, बहुत कुछ सारा आप लोग को बता दिया। और घर का एम्वायरमेंट क्लीन होता है, अगर घर का एम्वायरमेंट को हम लोग क्लीन चाहिए, हम लोग साफ हेल्दी रहना चाहता है तो हम लोग ये को गार्बेज जितना आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग को सीखना है, गार्बेज को हम लोग अच्छा से मैनेजमेंट करना सीखना है। ऑल हु कुड जॉइन अस ऑन दिस इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम रिगार्डिंग पॉल्यूशन इन नामसाई। सो टुडे माई कलीग्स विल talk about different kinds of pollution and ways to control them. First we'll talk about two basic pollutions, water pollution, air pollution. Then we'll talk about different kinds of solid waste and what are the harmful impacts of those waste and how to reduce them. Then we'll talk about several other wastes such as biomedical waste, hazardous waste, plastic waste and e-waste. Now may I ask you a basic question? So can someone tell me what is pollution? Any student? It's a very easy question. Can someone tell me what is pollution? Anyone? Or maybe someone from the teachers? Okay. So I'll tell them. Pollution is introduction of harmful material into the environment. So if we know that there is some harmful element, then why do we introduce it into the environment? What is the cause of pollution? The simple reason for pollution is that there are certain activities that human beings do for their survival which creates pollution. For example, जैसे umbrella act बोलता है, तो मतलब वो normal terms में जो umbrella होने से तो छाता है, तो सब आप लोग जानते हैं। तो मतलब वो जो छाता का अंदर में वो सेवन वेस्ट रूल्स हैं, तो मतलब वो सब वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आता है, उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, और फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, और फिर कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स करते हैं। तो ये सेवन टाइप्स ऑफ वेस्ट है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे जाएगा अभी। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए 2016 में जो रूल बनाए, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बोलता है उसको। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो अभी आप लोग जानते ही, जो घर से निकलता है और जो मार्केट से निकलता है और जो रास्ता में जो झाड़ू मारता है, जो स्वीपिंग करता है, जो तो वहाँ से जो निकलता है, और प्लस ये हॉर्टिकल्चर वेस्ट हो, जो मतलब सूखा पत्ता हो गया, ये वो जो से रास्ता से जो स्वीपर लोग जो से झाड़ू मार के जो यूडी का ट्रक में जो कलेक्शन करके देता है, तो मतलब वो सब वेस्ट को सॉलिड वेस्ट के अंदर में आता है। तो और मतलब ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अभी